Welcome to my channel CA Joyam. Today we will discuss the TDS provisions from 1st April 2023 and one Supreme Court judgment. Hope you like the knowledge sharing. Like and subscribe to the channel. Good morning. सबसे पहले पैन और आधार लिंक करिए. 31 मार्च लास्ट डेट है. दूसरा लास्ट डेट है, क्या लास्ट डेट है? फाइनेंशियल ईयर 19-20 का असेसमेंट ईयर 20-21, उसका मतलब का अपडेटेड ITR का लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग 31 मार्च 2023 है. ये दोनों चीजें प्रायोरिटी पे करिए. तीसरा चीज करिए, कल इनकम टैक्स ने AIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. गूगल प्ले स्टोर से जाके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS का ऐप डाउनलोड करें. इससे क्या फायदे हैं? आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए साल भर में, इनकम टैक्स ने वो सारा डिटेल वो ऐप में आपसे संबंधित डाल दिया है. उसका ऐप डाउनलोड करने पे क्या वेरिफिकेशन है वो सब होगा. मतलब रिटर्न फाइल करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये सारे ट्रांजैक्शंस वो रिटर्न में दिखने चाहिए, नहीं तो आएगा नोटिस आपको. सो डाउनलोड द AIS ऐप फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. चौथा इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि वित्तीय वर्ष 19-20, 20-21 और 21-22 के अपडेटेड ITR भरना चालू कर दीजिए. अगर कोई एंट्रीज छूट गया है, कोई इनकम छूट गया है, कोई टैक्स पेमेंट पेंडिंग है, आप ये सब कर लीजिए अपडेटेड ITR के थ्रू, क्योंकि नोटिसेस भेजना चालू हो गया है. एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और आपका फाइल्ड ITR का मिसमैच जो है ना, उसको लेके नोटिसेस इशू करना शुरू कर दिया है डिपार्टमेंट ने. सो टेक दिस केस इन स्टडी एंड फाइल योर अपडेटेड ITR एज फास्ट एज पॉसिबल. 19-20 का लास्ट डेट तो अभी है, बाकी के लिए टाइम है, अभी बाकी दो साल के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 1st अप्रैल 2023 से TDS में क्या क्या चेंजेस है वो मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में विथ माई वॉइस ओवर एक्सप्लेन किया गया है. गो थ्रू इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द चेंजेस इन TDS with effect from 1st April 2023 as per Union Budget 2023 is detailed out in some minor points. Go through it, मेरा voice over भी है. सबसे पहले एक छोटा story, फिर आता हूँ एक Supreme Court का judgment discuss करने GST पे. एक भक्त रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, 15-20 साल तक के भगवत गीता का पाठ करते दिन भर रात भर, और श्री कृष्ण के सामने ये पाठ करते ही रहते, जैसा आदमी जाप करता है वैसे ये सन्यासी करते ही रहते 15-20 साल तक. तो श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, खुश दिखते हैं, पर सोचे कि मैं ये इंसान, ये सन्यासी का परीक्षा लेता हूं. तो वो बोलते हैं, सन्यासी तुमने 15-20 साल तक के भगवत गीता का पाठ किया तो तुमको लगता है मैं खुश हो गया हूं? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, मैं तुम पे क्रोधित हूं मुझे डिस्टर्ब करने के लिए. और तुमने ये क्यों किया? वरदान पाने के लिए. मैं तुमको कोई वरदान भी नहीं दूंगा. तो ये सुनने के बाद सन्यासी उनको प्रणाम करता है और खुशी से नाचने लगता है मंदिर में जहां पे बैठ के पाठ करता है. इधर उधर दौड़ता है खुशी के मारे, फिर प्रणाम करता है, हाथ जोड़ता है और खुश हो जाता है. तो भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये क्या है? तो इंसान बोले, प्रभु मेरे लिए इतना काफी है कि आप मेरा पाठ सुने इतने साल और मुझे दर्शन देके पर्सनली ये बात बोलने आप प्रकट हुए, ये मेरा अचीवमेंट है मेरे 15-20 साल के तपस्या का. वरदान मिले नहीं मिले, आपका दर्शन ही मेरे लिए वरदान है. तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन. ट्राई टू एक्सट्रैक्ट समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ दैट सिचुएशन. फेस द प्रॉब्लम, फेस इट, इट विल गो अवे. डोंट रन अवे, डोंट हाइड. दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. कमिंग टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज मेड अ स्टनिंग जजमेंट विद अंडर द वैट रेजिम, बट इट इज गोइंग टू हैव अ रिपलिंग इफेक्ट इन द GST ऑल्सो. नाउ ईकॉम गिल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट मियर प्रेजेंटिंग द इनवॉइस एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट by way of check RTGS or NEFT is not sufficient to claim ITC in VAT. This is a VAT judgment, but I am discussing it because it is going to have an effect on GST. You need more cogent evidence, that is aapke paas aur evidence rehna chahiye, lorry receipt ya train receipt, airway bill ya ship bill of lading, ki wo maal aaye gaye.
प्रूफ ऑफ डिलीवरी, प्रूफ ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, और जीएसटी में ई इनवॉइस, गाड़ी के डिटेल, एलआर, आरआर, एयरवे बिल, बिल ऑफ लेडिंग, ये सब रहना चाहिए। सिवाय इसके सिवाय आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। दिस इज अ वेरी स्टनिंग जजमेंट। अगर आपके पास गाड़ी के डिटेल है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं है, प्रूफ ऑफ रिसीट नहीं है, आरआर नहीं है, एलआर नहीं है, और सिर्फ इनवॉइस है और प्रूफ ऑफ पेमेंट है, इसके बेसिस पे आपको आईटीसी अभी नहीं मिलेगा। ये वैट का जजमेंट है, बट आई एम सेइंग दिस बिकॉज इट इज गोइंग टू हैव अ रिपलिंग इफेक्ट इन जीएसटी एज वेल। सो कीप दिस इन माइंड। द केस लॉ का रेफरेंस मेरे इसमें है और मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के आखिरी में भी दो तीन स्लाइड में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज अ वेरी बिग जजमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट दैट ओनली इनवॉइस एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट इज नॉट सफिशियंट टू क्लेम आईटीसी। यू नीड हैव टू हैव ऑल द कोजेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू क्लेम द आईटीसी। दिस इज अ वैट जजमेंट, आई रिपीट, बट इट इज गोइंग टू हैव अ इफेक्ट ऑन द जीएसटी transactions as well in future. This is a Supreme Court judgment. Have a nice day. I'll be back tomorrow with one more GST news. GST के लिए भी prepare होना है ना भाई, 23-24 से नए नए amendments हैं, तो वो सब के साथ में कल आ जाऊंगा. So enjoy the knowledge sharing. Get back, like and subscribe to the channel. With effect from 1st April 2023, as per the highlights of Finance Bill 2023, there are new TDS rules for which you have to be prepared for. The department recently shared the list of such TDS rules that were proposed to be changed as per the budget. Now, TDS on winning from online gaming has been proposed. There is no threshold. There is no threshold benefit. TDS will be either upon on withdrawal or at the end of the financial year. Aapko immediately pay karna hai without, before even filing the ITR. This is the concept of TDS on online gaming. Now, exemption from TDS available on interest payments on listed debentures has proposed to be removed. मतलब जो TDS का exemption available था listed companies के debentures पे, उनके interest पे, वो अभी हटा दिया जाएगा with effect from 1st April 2023. जो employees provident fund withdrawal कर रहे हैं, वो इंसान ने अगर अपना PAN provide नहीं किया, then TDS will be 20%. Instead of the maximum marginal rate, ये एक change आया है। अगर PAN provide नहीं किया, तो TDS का rate रहेगा 20%। अब अगर आपने 2 साल का ITR पहले नहीं भरा था, एक नया provision आया था, तो 2 साल का ITR नहीं भरा है, तो double TDS कटेगा, आपको कोई भी payment मिलेगा। ये sections थे 206AB and 206CCA। ये कैपिटल में है, मैंने छोटे में लिखा फॉर क्लैरिटी, आपका नजर उस पे जाए। नाउ इट हैज बीन अमेंडेड टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्संस फ्रॉम द स्कोप हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब जिनका एक हाथ भर कैपिटल गेन है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, एनआरआई है, जिनका कोई रेसिडेंस ऑफिस या पैन इंडिया में है ही नहीं, जिनको रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं है, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है ये प्रोविजन से। तीसरा, for certain income paid to non-residents or foreign companies, TDS will be deducted at 20% or the rate specified in a tax treaty. A tax treaty is the double tax avoidance tax treaty. Foreign companies ko ya kuch payment jo NRI ko kiya jata hai, TDS will be at the rate of 20% ya wo double tax avoidance treaty mein jo rate hai, whichever is lower now, it is not a fixed rate. If the payee provides a tax residency certificate, ye relief available rahega. अब पहले TDS mismatch होता था, मैंने accrual basis पे अपना income calculate किया और आगे वाला पेमेंट बेसिस पे टीडीएस काट रहा है, तो दोनों में मिसमैच होगा। सो सेक्शन 155 हैज बीन अमेंडेड टू सॉल्व अ टीडीएस मिसमैच प्रॉब्लम। व्हेन अ टैक्स पेयर रिपोर्ट्स इनकम यूजिंग द अक्रुअल मेथड,
इट मे बी टैक्स बिफोर द टीडीएस इज डिडक्टेड. इट कॉजेस अ टीडीएस मिसमैच एंड प्रिवेंट्स द टैक्स पेयर फ्रॉम क्लेमिंग टीडीएस क्रेडिट. द अमेंडमेंट इन सेक्शन 155 अलाउज टैक्स पेयर्स टू अप्लाई टू द असेसिंग ऑफिसर विद इन 2 years एंड क्लेम द टीडीएस इन द फॉलोइंग ईयर. दिस इज अ बिग रिलीफ. नहीं तो टीडीएस लैप्स हो जाता है. तो 2 साल का टाइम है विद इन 2 years ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द टैक्स वॉज विथहेल्ड. दिस रूल इज फ्रॉम अप्रैल 1, 2023. सो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दिस चेंजेस. अब सेक्शन 244A हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन रिफंड अराइजिंग आउट ऑफ द अबव रेक्टिफिकेशन. मतलब आपने टीडीएस क्लेम किया तो रिफंड आएगा. तो डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जो टाइम में आपने असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई किए टिल द रिफंड इज ग्रांटेड, आपको सेक्शन 244A के अंतर्गत आपको इंटरेस्ट ये पीरियड का ही मिलेगा. पहले से नहीं मिलेगा, जब से कटा तब. जिस साल में आपने अप्लाई किया असेसिंग ऑफिसर को उस साल से लेकर रिफंड मिलने तक आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा. दिस इज एज पर सेक्शन 244A. सो कीप दिस इन माइंड. दीज आर द न्यू टीडीएस रूल्स फ्रॉम अप्रैल 1, 2023.